वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें करंट अफेयर एक और टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें ये है ECI इंट्रोड्यूसेस होम वोटिंग फॉर एल्डरली एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एल्डरली और जो डिजेबल पर्सन उनके लिए होम वोटिंग का मुहिम स्टार्ट किया है। इन लैंडमार्क मूव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड होम वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए लोकसभा इलेक्शन। This initiative announced by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar aims to enhance accessibility and convenience for the elderly citizens and persons with disabilities during the 2024 Lok Sabha election. तो ये एक बहुत अच्छा मूव है कि पहले बार हो रहा है इस लोकसभा इलेक्शन में, जिसे किसे अनाउंस किया है, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, ठीक है, वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इसको लागू कर रहे हैं कि जिससे कि और ज़्यादा रीच आउट बढ़े वोटिंग का। Under this new provision, voters aged above 85 years in PWD with a benchmark of 40% or more will have the option to cast their votes from comfort of their homes. जिनका उम्र 85 साल है और जिनका 40% ज़्यादा डिजेबल है, उनको ये राइट्स मिलेगा। By enabling home voting, the ECI seeks to address challenges faced by vulnerable segments. अब ये देखिए थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या क्या हो सकता है, बस जैसे आर्टिकल थोड़ा ठीक लगे उसके कारण से, तो आप ये लिंक्स में जाके पढ़ सकते हैं। अब ये हिंदी में भी आपको मिलेगा यहाँ पे, साथ ही साथ एग्जाम सेट MCQ जो बन सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।